हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है हॉनर 9N। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, इसमें FRP बाईपास करना है। जब भी हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो उसे आज की इस वीडियो में हम बाईपास करेंगे। और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कैसे ये FRP बाईपास होता है दोस्तों, विदाउट कंप्यूटर, विदाउट OTG, विदाउट नेट दोस्तों कैसे ये FRP बाईपास होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, और दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना तभी आपके समझ में आएगा, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा यार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें टॉकबैक ऑन करना है, टू फिंगर से आपको स्क्रीन में तो दोस्तों ये टॉकबैक ऑन हो चुका है, और उसके बाद आपको यहाँ एल्स बनाना है, और उसके बाद आपको टॉकबैक सेटिंग में जाना है। टॉकबैक सेटिंग में जाना है, टू फिंगर से आपको उसके बाद Showing items 1 to 11 of 29. तो दोस्तों उसके बाद आपको करना यह है, इसका स्क्रीन शॉट लेना है पावर बटन और वॉल्यूम माइनस से, Bring volume और उसके बाद आपको शेयर के ऑप्शन में जाना है। Audio ducking, decrease other audio volume, share, off, Huawei share. दोस्तों यह ऑप्शन खुल जाएगा, आपको ये पेज जाएगा, उसके बाद आपको जीमेल में जाना है, जीमेल रो 1 और जीमेल में टू फिंगर आपको नेविगेट अप ऐप इन्फो प्रेस करना है, उसके बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन में, नेविगेट अप जीमेल शोइंग आइटम, उसके बाद आपको जाना है मोर सेटिंग में, सेटिंग्स, और उसके बाद आपको यहां जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं उसके बाद मैनेज अकाउंट में, उसके बाद आपको दोस्तों सेटिंग में जाना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको सिस्टम में जाना है, और उसके बाद आपको रीसेट, तो दोस्तों आपको उसके बाद करना है रीसेट ऑल सेटिंग करना है, तो और यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग कर देना है, नेविगेट अप, ड्रॉ अनलॉक पैटर्न। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे पैटर्न स्टार्टेड, पैटर्न स्टार्टेड, पैटर्न क्लियर्ड, पैटर्न कंप्लीटेड, रीसेट ऑल सेट, तो आपको ये देख लीजिए दोस्तों इससे रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसमें पैटर्न मांगेगा नहीं, वैसे पैटर्न इसलिए मांग रहा है क्योंकि जब आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे पैटर्न मांग रहा था, तो मैंने पैटर्न डाल दिया था, तो इसलिए पैटर्न मांग रहा है, वरना पैटर्न मांगेगा नहीं है। और दोस्तों फ़ोन रीसेट हो रहा है, देख लीजिए। तो दोस्तों फ़ोन रीसेट हो गया है, देख लीजिए टॉकबैक ऑफ हो गया है। उसके बाद आपको सिंपली करना ही है, आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। तो ये देख लीजिए दोस्तों फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसका FRP बाईपास होगा। तो दोस्तों मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से लेके रिलेटेड नई नई वीडियोस बनाता रहता हूँ, और नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार दोस्तों। और इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों कोई भी आपको क्वेरी हो तो ये देख लीजिए दोस्तों फ़ोन पूरी तरह खुल गया है। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपके समझ में नहीं आ रहा, कहीं आप अटक रहे हो, तो आप मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। उसके बाद आपको दोस्तों फ़ोन एक बार रीसेट कर देना है पूरा, कंप्लीट फॉर्मेट एंड इरेज ऑल डाटा कर देना है दोस्तों।
तो दोस्तों फ़ोन पूरा कंप्लीट रीसेट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा कंप्लीट, जैसे 100% हो जाएगा। तो फ़ोन ओपन हो जाएगा तो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कंप्लीट रीसेट हो रहा है, होने लग हो चुका है ये। तो अब थोड़ा प्रोसेस और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये FRP बाईपास हो गया है। तो दोस्तों कंप्लीट रीसेट होने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा और उसके बाद आपको एग्री टू ऑल तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमारा फ़ोन कम्प्लीटली पूरी तरीके से खुल गया और कम्प्लीट FRP बाईपास हो चुका है इसमें। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।